एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज क्या है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था। जैसे अगर हमें इंडिया में काम करना होता है तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, वैसे ही अगर हमें इंटरनेशनल काम करना है तो हमें इंटरनेशनल लाइसेंस जो एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। सो वो एग्ज़ाम बेसिकली मैंने 9 तारीख को दिया था। उस एग्ज़ाम को लेने के लिए मैंने एलिजिबिलिटी ली थी, लाइक 3 मंथ्स लग गए थे मुझे एलिजिबिलिटी लेते, जिसमें मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट डाला और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया, विच इज़ आपरा, विच इज़ ऑस्ट्रेलियन एजेंसी, मेडिकल एजेंसी। सो बेसिकली उन्होंने एलिजिबिलिटी दिया कि येस, आप जो है वो एनक्लेक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। मेरा पूरा डिग्री वगैरह हर चीज़ को देखकर उन्होंने ये एसेस करके बताया था। फिर मैंने डेट बुक किया। डेट बुक करने के लिए इट वाज लाइक 6 मंथ टाइम पीरियड, आप 6 महीने में कोई भी तारीख ले सकते हो एग्ज़ाम की, और इसीलिए मैंने 6 मंथ्स के अंदर में 2 डेट्स आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अगस्त में पेपर दिया है तो 45 दिन के बाद मेरा रिजल्ट आएगा और उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट भी आप डाल सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं स्टार्टिंग में ही दे दूँगी फर्स्ट अटैम्प्ट अपना, और जो दूसरा अटैम्प्ट होगा वो मैं थोड़ी देर के बाद दूंगी देख के कि एग्ज़ाम आता कैसा है, बिकॉज बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, बहुत बहुत कम लोग होते हैं। सो आई वाज लाइक मेरे पास कोई ऐसा नॉन टू नई पर्सन था जो बता सके कि पेपर कैसा आता है। और अगर आप कोचिंग की बात करोगे तो 70,000-80,000 ऐसा कोचिंग रहता है। सो मुझे कोचिंग पे भी पैसा वेस्ट नहीं करना था, और क्योंकि ऑलरेडी जब हम एम्स के लिए तैयारी करते हैं तो हम काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छी बुक्स को फॉलो कर कर ही एम्स का सिलेक्शन लिया जाता है। तो सो आई वाज लाइक आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं एग्ज़ाम इजीली निकाल लूँगी, क्योंकि एम्स दिल्ली में भी सीट लिया था, तो दैट वाज आल्सो अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो मैंने वही बात को सोच के मैं कोचिंग नहीं लिया, एंड आई जस्ट ट्राइड कि मैं करूँगी, मैं आई विल गिव माई अटैम्प्ट, और मैं वैसे ही फर्स्ट अटैम्प्ट अपना दे दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट देने के बाद 6 वीक्स के बाद रिजल्ट आता है, तो मैं कल ही अपनी मदर से बात करती थी कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, बट एट द लास्ट मुझे मेल आ चुकी है और अब मैं मेल आपके सामने ओपन करूंगी और देखती हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या है। सो लेट्स गो गाइस, आई विल शो यू, आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ, बट आई एम गोना टेल यू, देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या बोलता है। मुझे इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है, बट मेल तो आ चुका है, सो लेट्स सी। दिस इज़ द आपरा, ये रहा आपरा एनक्लेक्स आर एन एम सी क्यू एग्जामिनेशन जिसका रिजल्ट आ चुका है। सो दिस इज़ द बेसिकली एनक्लेक्स आर एन एम सी। ओ गॉड, नो, भगवान जी प्लीज़। शर्मा एंड एनक्लेक्स एग्जामिनेशन एप्लीकेंट फॉर ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी हैज पास द एग्जाम। ओ माय गॉड, आई सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स टू से, बट आई एम, ओ माय गॉड, आई एम सो सो हैप्पी यार, ये निकल गया पेपर यार। इस एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत वेट किया है और लिटरली मेरे पेपर निकल गया, मुझे बहुत 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 खुशी इस बात की, बहुत ज़्यादा खुशी है, और मैं ये मोमेंट सीरियसली कैप्चर करना चाहती थी सो दैट कि आने वाले टाइम में मैं इसे देख सकूं। क्योंकि जब एम्स दिल्ली का पेपर निकला था तब तो नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम इतना दिमाग नहीं था कि उसे रिकॉर्ड करूं, उस रिएक्शन को, लेकिन आज भी मुझे वो फीलिंग याद है जब रिजल्ट आया था। और मैं उस टाइम पे एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी जो कि वुमेंस हॉस्टल था, और मेरी 2 फ्रेंड्स थी वहाँ पे जो अलग अलग फील्ड से थे, वो मेडिकल से थे ही नहीं, उनका कोई लेना देना ही नहीं था। एक सीए की तैयारी कर रही थी और एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी, और मैं अपना रिजल्ट देखा, लिस्ट में नाम ही नहीं था, सिर्फ उस टाइम पे 350 या 400 सीटें आई थी और मेरा नाम मुझे नहीं दिखा। मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3, मुझे नाम ही नहीं दिख रहा था मेरा। और फिर मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी उसने मुझे बोला तू शांत हो जा, मैं देखती हूँ। फिर उसने देखा और उसे मेरा नाम दिखाई दिया था, और वो मोमेंट भी याद करके एकदम से ना ऐसे दिल से खुश सा हो जाता है। और ये वाला मोमेंट भी मुझे मेमोरी बनाना था इस मोमेंट को भी, सो दैट कि मैं इन फ्यूचर जब इस मोमेंट को रियलाइज करूँ तो मुझे दोबारा से वही वाली जोश वाला फीलिंग आ जाए कि यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, नो मैटर, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, गाइडेंस की जरूर जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मेहनत तो आपको कोई करनी पड़ती है, और आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे रिजल्ट काफ़ी जल्दी ही मिल गए, आई एम वेरी 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 हैप्पी,
I am very happy. I definitely would love to share with you guys. Number one, exam को prepare करने के लिए मुझे ज़्यादा theory में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि थ्रेटिकल तो ठीक है, थ्रेटिकल ऑब्वियस थ्रेटिकल तो ज़रूरी है, ही पढ़ना ही पड़ता है, सबको ही पढ़ना पड़ता है, बेसिक्स तो सबको आने चाहिए. लेकिन मैंने ये नोट किया कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस ज़्यादातर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस थे. द क्वेश्चंस वर लाइक कि आप एक मैटरनिटी नर्स हैं एंड आपको आपके डिपार्टमेंट में कोई मेडिकल सर्जिकल वाला नर्स को डाल दिया गया है, तो आप उसको कौन सा पेशेंट दोगे. तो हमें प्रायोरिटी सेट करना पड़ रहा था उसके अंदर, कि एक ECG वाला पेशेंट था जिसके ECG बिल्कुल ख़राब थी, AF वाला पेशेंट था, एक पेशेंट था डायबिटीज़ इंसिडिपस का, एक पेशेंट था सिधा का. सो देर वर सो मेनी ऑप्शंस, लाइक 5 or 6 ऑप्शंस थे. तो आपको डिसाइड करना था कि आप इस मेडिकल सर्जिकल वाले नर्स को कौन सा पेशेंट असाइन करोगे, यू नो. सो इस टाइप के प्रायोरिटी क्वेश्चंस मैंने बहुत बहुत सारे देखे. और मैंने एक चीज़ और नोट की, अगर हम एम्स का पेपर देते हैं तो अगर आपने दे आर इफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर से आया सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, और अगर आपने एम्स के पेपर में सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई में एक ऑप्शन भी गलत, आपको 4-5 ऑप्शंस आए हैं, आपने 3 ऑप्शंस को टिक लगा दिए जिसमें से सिर्फ 2 ही ऑप्शन ठीक किए, आपने तीसरा ऑप्शन गलत किया है, सो ये क्वेश्चन इज रॉन्ग. लेकिन एनक्लेक्स में ऐसा नहीं होता है. एनक्लेक्स आपका IQ जज कर रहा है, वो नॉलेज असेस कर रहा है, वो देखेगा कि आपने उस क्वेश्चन के अंदर कितने ऑप्शन ज़्यादातर सही किए हैं. एक ऑप्शन आपने गलत किया है तो आपको लगभग 78% आपको मार्क्स मिलेगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया, आपने बहुत कम टाइम लिया इसको अटेम्प्ट करने के लिए, और आपने इसमें से 3 ऑप्शन ठीक चूज किए हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत चूज किया है. तो जो कि एक आई थिंक बहुत ही बेस्ट तरीका है किसी के नॉलेज को असेस करने का, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना आपको सारे के सारे आंसर्स मालूम होंगे और आपको ये भी पता है कि इसमें से कौन सा एक क्लौता ऑप्शन है जो नहीं आंसर है. लेकिन एनक्लेक्स वाले इस तरीके से आपका असेसमेंट नहीं करते हैं, वो असेस करते हैं आप कितने टाइम के अंदर उस एग्जाम को कंप्लीट कर रहे हो, आपका जो नॉलेज है वो किस हद तक एक्यूरेट है, उसमें एक्यूरेसी कितनी है और आप कितने कॉन्फिडेंट है, और ये सब चीज़ें वो उस एग्जाम से एक्सेस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने एग्जाम दिया तो देर वर लाइक 146 क्वेश्चन पे कंप्यूटर मेरा शट डाउन हुआ था, जो कि मैंने स्टार्टिंग के 70-80 क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी जल्दी कर लिए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, उसमें सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला ऑप्शन नहीं थे, बस एक एक ऑप्शन ही टिक करना था. सो आई वॉज वेरी फास्ट इन दैम, क्योंकि वो क्वेश्चन में मेरा कमांड काफ़ी अच्छा है, जिसमें मुझे सिर्फ एक ही आंसर देना, मुझे पता होता है उसमें आंसर कौन सा है. तो 70-80 क्वेश्चन में तो मैंने काफ़ी जल्दी खत्म कर लिया, लेकिन 80 के बाद जो क्वेश्चन आए वो सारे ही सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई थे, और मुझे मालूम थी ये बात कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई के अंदर ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने एक ऑप्शन भी गलत टिक किया तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. आपका एक ऑप्शन गलत है बट स्टिल आपके बाकी के 3 या 2-3 ऑप्शन तो सही है ना, सो कंप्यूटर उसमें भी आपको असेस करेगा कि यू आर स्टिल कैपेबल, यू नो योर क्रिटिकल थिंकिंग इज गुड. सो उस उन पॉइंट्स पे ही आपको असेस किया जाता है, कंप्यूटर उन पॉइंट्स पे आपको असेस करता है और आपको मार्क्स देता है और आपको पास भी करता है. सो ये एक बहुत 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 अच्छा लगा मुझे एग्जाम पैटर्न, क्योंकि कोई रट्टाबाजी नहीं थी, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं उठ के आए थे, बहुत लॉजिकल और फैक्ट वाले क्वेश्चंस थे. जितना भी ICU में काम किया है और जो जो सीखा है वहाँ पे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे. बस फर्क इतना था कि टर्मिनोलॉजीज, जैसे अगर मैं कार्डिक ICU में मैं काम किया है तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज है वो गैस्ट्रो के टर्मिनोलॉजीज नहीं है, उधर उतना गाइनी उधर उतना नहीं है, उधर फार्मा वाला इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं है. तो आपको टच में रहना पड़ता है गायनेकोलॉजी के भी, आपको ऑब्स्ट्रेटिक के क्वेश्चन भी आएंगे, मेडिकल सर्जिकल के भी आएंगे क्वेश्चन, रीनल का भी आएगा, यू नो डिपेंड नहीं कर आप मैटर नहीं करता आप कौन से डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस ले रहे हो. तो वही एक छोटा सा आई थिंक ड्रॉबैक है कि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो कलेक्टिवली आता है, वो ये नहीं देखता कि अगर आप कार्डियो के डिपार्टमेंट से हो तो आपको सिर्फ कार्डियो के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से मोस्टली एग्जाम आई थिंक बच्चे नहीं क्लियर कर पाते, क्योंकि उनका टच नहीं रहा है ना. आप 6 महीने किसी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप बाकी के डिपार्टमेंट का नॉलेज भूल जाओगे, बिकॉज हमारा वर्क स्किल्स ही ऐसे रहते हैं, हमें बेसिक्स काम करने होते हैं, थ्रेटिकल से टच हमारा छूट जाता है. लेकिन मैंने अपना थ्रेटिकल से टच बिल्कुल भी कभी भी नहीं छोड़ा, मुझे हमेशा अपना थ्रेटिकल पढ़ना कंटिन्यू रखना उसको पसंद है, इसीलिए आई थिंक मैं काफ़ी इजीली ये एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के निकाल दिया है. लेकिन जिन बच्चों का टच छूट चुका है पढ़ाई से, वो बस किसी एक डिपार्टमेंट में है और काफ़ी टाइम से उसी डिपार्टमेंट के अंदर है, तो डेफिनेटली उनका
बाकी पोर्शंस जो है हमारा नर्सिंग के अंदर, उसमें से उनका जो नॉलेज है वो कम हो गया होगा, और स्किल्स और जो साइन एंड सिम्टम जो यू नो फॉर एग्जांपल लाइक पर्टिकुलर साइंस जैसे मैकबर्नी साइन हो गया या फिर प्रोबेबल साइंस प्रेजप्टिव साइंस हो गए, ये जितने भी साइंस हैं ये वो इंसान ज़्यादा बेटर तरीके से आंसर कर पाएगा, फास्ट आंसर कर पाएगा जो जो टच में है, जो गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स के टच में है, जो मेडिकल सर्जिकल के टच में है। सो आई थिंक यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी लिटरली कुछ भी बाहर से नहीं था, कुछ भी अजीब से क्वेश्चंस नहीं आए थे। लेकिन जो मैंने एम्स दिल्ली का पेपर अभी 2022 का एग्जाम दिया था वो बहुत ही इलॉजिकल पेपर था, बिल्कुल बेकार पेपर था। मींस कि उस पेपर को एसेस करके मैं बोल सकती हूँ कि एक बच्चा जो बहुत डीपली पढ़ रहा है ना वो पेपर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा स्ट्रेट क्वेश्चंस आए थे जो कि जिसे मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने पुराने क्वेश्चंस उठ उठ के डाले हुए उन्होंने। सो एक जो फैक्ट्स होते हैं ना वो फैक्ट आई थिंक 2018 और 19 में जो पेपर आता था वो फैक्ट्स थे, उसके अंदर आपको पर्टिकुलर सिनेरियो दिया जाता था और मेडिकल सर्जिकल के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, गायनी के भी काफ़ी क्वेश्चन आते थे। लेकिन जो अभी करंटली पेपर आया था, मैं खुद पेपर दिया है, इवन तो आई एम सिलेक्टेड, मैं वो एग्ज़ाम क्रैक किया, बट स्टिल मैं वो एग्ज़ाम देकर मुझे यही फील हुआ कि वो पेपर का कोई लेवल नहीं था, वो वैसा पेपर नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये पेपर आने का मतलब है कि आप तो बस टारगेट हाई पढ़ो, PR यादव पढ़ो, आपका पेपर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट और रट्टे वाले क्वेश्चंस आए थे। नॉलेज और GK और जो एक बेसिक्स फैक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत ही कम क्वेश्चंस थे। ICP पे ही क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन तो मैं खुद ICP पे ही देखा था। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत डीपली पढ़ता है और बहुत लॉजिकल पढ़ता है, वो बच्चे कहीं ना कहीं इसमें सिलेक्शन आई थिंक उनका नहीं हुआ होगा। और जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं यू नो रट्टेबाजी, और उनका आई थिंक सो अच्छा रैंक्स भी आए होंगे और सिलेक्शन भी हुआ होगा। हाँ, और बस मैं यही बोलना चाहूँगी, इससे ज़्यादा तो मैं बस कुछ भी नहीं बोल लेती, लेकिन हियर डेफिनेटली आई विल फोकस ऑन NCLEX ओनली, नॉट ऑन दी एम्स न्यू दिल्ली एग्जाम, नॉर्थ सेट का जो पेपर आया था, क्योंकि आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट एग्जाम, इवन दो आई क्लियर्ड बट स्टिल। लेकिन NCLEX का जो एग्ज़ाम था वो लिटरली बहुत जेन्युइन और बहुत फैक्ट वाला पेपर आया था, और इनका जजमेंट करने का तरीका कि ये इस पर्सन सेफ है हमारे पेशेंट के लिए कि नहीं है, वो बहुत 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 अच्छा था। आई एम वेरी हैप्पी एंड बिकॉज एट द लास्ट एग्ज़ाम इज़ क्लियर। सो अभी नेक्स्ट स्टेप है, बहुत सारे स्टेप हैं, मैं आगे आपको वीडियोज़ में बताऊँगी अगला क्या स्टेप है, आगे मुझे क्या करना है। और डेफिनेटली अगर आप लोगों को इस नर्सिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस चाहिए और वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखना, और मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ाई करी थी, अगर करी भी थी तो क्या पढ़ा था ऐसा, और कैसे किस तरीके से इतना जल्दी एग्ज़ाम निकल गया। सो बाय बाय एंड लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। और जिन जिन लोगों ने मुझे हमेशा बोला है कि टेंशन मत लो यार, एक एग्ज़ाम ही तो है यू नो, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी देती हैं। एंड एट द लास्ट आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव दैट यू हैव स्प्रिंकल्ड ऑन मी। बाय।